हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं और किस किस तरह से आपको उसमें असाइनमेंट के अंदर वर्क करना है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और असाइनमेंट कब से कब तक आपका बनेगा, इन सब चीज़ के बारे में इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसका भी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो SOL की वेबसाइट है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है कि असाइनमेंट के ऊपर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस वीडियो में आज हम उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, तो देखिए सबसे पहले आपको SOL की वेबसाइट पर विजिट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करके डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है अपना। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ से फर्स्ट लिंक खोल लेंगे, जैसे यहाँ डेट भी दे रखी है 7/6/2020 की। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप लिंक खोलते हैं तो आपके सामने ये लिंक खुल के आता है। इसमें जो है डेट शीट दे दी गई है सब असाइनमेंट के लिए भी, और फिलहाल तौर पे यहाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो हैं, चाहे वो SOL के हो चाहे वो NCVAP के हो, उन दोनों की यहाँ पर बात की गई है 2020 की। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम CBCS की डेट शीट खोल लेते हैं BA प्रोग्राम के। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि गाइडलाइंस जो है सबकी सेम ही होने वाली है, इस वजह से हम गाइडलाइंस के लिए सबके लिए एक ही चीज़ रहेगी तो हम उसकी बात एक ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, जैसे कि अब यहाँ पे कोई यहाँ पे कोड दे दिया गया है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है कोई एजुकेशन है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आइडियाज़ जो भी है इसके यहाँ पे बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा दिया गया है, साथ साथ ही यहाँ पेपर का जो नाम है वो यहाँ पर दे रखा है, सेमेस्टर कौन सा है वो फर्स्ट है, ये आपके असाइनमेंट के लिए दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय SOL के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे उसकी तारीख यहाँ पर दे रखी है। यहाँ देखिए सब में ही 25 तारीख दे रखी है, 25 तारीख छठा महीना। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, कोई से भी इसके खोल के देख लीजिए, उसमें सब में ही 25 तारीख दे रखी हो गई, यानी SOL की तरफ से 25 तारीख को क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा कि आपको मतलब असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाद में आपकी जो लास्ट डेट होगी आंसर शीट की अपलोड करने की, यानी असाइनमेंट जो बनाओगे उसकी होगी आपको 11/7/2020 तक, यानी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है इसके बीच बनाने का। मैं तो कहूँगा जिस दिन आपको क्वेश्चन मिले आप उसी दिन सीधे असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए अपने, शाम को 6 बजे तक है इसका टाइम। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान देने वाली कि आप पेपर कोड की अगर बात करें, यहाँ पेपर कोड देखें तो देखिए गाइस, ये सबके पेपर कोड अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि इन सबके ही कोड जो हैं अलग अलग रहेंगे, एक जैसा असाइनमेंट नहीं होगा। इतना तो सबको समझ में आता है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उसमें हम समझ सकते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें गाइडलाइंस ही दे रखी हैं। ठीक है, इसको समझते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि मतलब सेमेस्टर जो है सबके ही पेपर होंगे, सेमेस्टर वाइज ही या फिर जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे जो है सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया है इन सब चीज़ को लेते हुए, और यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चंस जो है उनके जितने वेटेज रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, यानी मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए तो उन 5 क्वेश्चन जो है 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कोई छोटा क्वेश्चन है कोई बड़ा क्वेश्चन है, जितना वैसे 20 ही नंबर के आएंगे क्वेश्चन, और जहाँ तक है 5 ही अपलोड किए जाएंगे, उसके ऊपर के असाइनमेंट बनाना होगा। और गाइस, सबसे मेन चीज़ जो है इसमें स्टूडेंट को, मतलब अभी काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे sol.do.ac.in, इस पे जाना है स्टूडेंट को इस वेबसाइट पे, और फिर उसके जाने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड जो होता है उसमें आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और साथ साथ में यह है कि आपको आंसर शीट कैसी प्रयोग करनी है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको जो है यहाँ पे A4 साइज़ की शीट लेनी है, वैसे यहाँ पहले दिखाया गया था प्लेन शीट लेनी है, अब की बार यहाँ पे प्लेन या फिर वैसे कुछ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोशिश कर रहे हैं एक साइड हो सके तो एक ही तरफ लिखे शीट में, दूसरी तरफ ना लिखे, ताकि वो अगली तरफ छपाई उसमें ना दिखाई दे इस वजह से। ठीक है, बाकी बाद में आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि स्टूडेंट्स ये पूछे थे कि हम पेन कैसा प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें आप ब्लू और ब्लैक दोनों ही पेन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो आपको फ्रंट पेज कैसा बनाना है उसका, तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपना SOL नंबर मेंशन करना होगा, हो सके तो स्टूडेंट नेम भी मेंशन कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली वैसे पर, लेकिन SOL रोल नंबर सबसे ज़्यादा मेन है इसमें, और फिर दूसरी चीज़ एग्जामिनेशन रोल नंबर, और फिर तीसरी चीज़ पेपर कोड, यह आपको जो है पेपर के टॉप के ऊपर लिखना होगा। ठीक है, टॉप में लिखना है।
और बाकी जो है आपको हर पेज पे जो है नंबर डालना होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही, साथ साथ में ही आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे सीट पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप। और हाँ गाइस, आपको जो है असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। पर ये बात अभी तक पक्की नहीं है कि आंसर क्वेश्चन कितने मिलते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 क्वेश्चन मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 2 भी मिले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उससे आप कोई चिंता ना करें। और आपको जो असाइनमेंट जो अपना बनाओगे आप, वो कैसे आपको अपलोड करना है, अपनी आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है, तो टाइम मैंने आपको बता दिया है, तारीख मैंने आपको बता दी है, 6 बजे तक आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड करनी है sol.ac.in के ऊपर लॉगिन करके, ठीक है। साथ साथ में आपको अपनी PDF बनानी होगी और स्कैन करके वो अपलोड करनी होगी। अब अपलोड करनी कैसे है, जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे वहीं पे ही आपको जाके अपना डैशबोर्ड में लॉगिन करके sol.lama डाल के उसके बाद आपको वहाँ से अपलोड करना होगा, जहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, वहीं से ही आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पहला असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन की छोटा आया है, आप सोचते हैं कि मैं नीचे सीट खाली बची है उसमें से मैं आगे दोबारा सीट पर कर देता हूँ और बाद में उसको स्कैन करके क्रॉप करके दूसरे PDF बना दूंगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपका पहला असाइनमेंट ख़त्म हो जाता है फिर न्यू पेज लेके आपको जो है दूसरे पेज के ऊपर वो असाइनमेंट बनाना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और गाइस आपको जो है अपने हर असाइनमेंट में आपको सिग्नेचर करने ही होंगे, कंपलसरी है ये, और सिग्नेचर एक जैसे रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उससे असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जो एग्ज़ाम देने हैं असाइनमेंट वाले, ये इस तरीके से देने हैं, क्योंकि आपको पता ही है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बाकी इस तरह ही है नोटिफिकेशन जो आया है, कुछ बाकी जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सीधे सीधे PDF को, या फिर अगर आपको कोई और से PDF देखनी हो तो आप उनको भी यहां पर आकर देख सकते हैं। बाकी आपका जो है मोस्टली चीज़ प्रोवाइड करवा दी गई है, अगर आपको लगे कुछ चीज़ नहीं मिली है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप SOL वेबसाइट पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में वैसे सबको ही नॉलेज हो चुकी है क्या चीज़ है ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। बात करते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के ऊपर, धन्यवाद गाइस।